निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर। जय हिंद, मैं ललित खत्री और अब एमटीटीवी इंडिया पर देखिए राजस्थान की 10 बड़ी खबरें जबरदस्त 10। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका, कहा जांच में कोई खामी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषी अक्षय कुमार सिंह की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में दोषी अक्षय कुमार सिंह की अर्जी पर 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अब दोबारा सुनवाई नहीं होगी। जस्टिस भानुमति ने फैसले दस्तखत किए। कोर्ट ने कहा कि दोषियों को बचाव का पूरा मौका दिया गया था, ट्रायल और जांच में कोई खामी नहीं है। बुधवार को जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में 11 साल बाद 4 आतंकी दोषी करार। एक आरोपी शहबाज हुसैन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। जयपुर की विशेष अदालत ने बुधवार को जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 आतंकियों को दोषी करार दिया। इन आतंकियों ने 13 मई 2008 को जयपुर परकोटे में 8 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके किए थे, जिनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 185 जख्मी हुए थे। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में राजधानी के माणक चौक और कोतवाली थाने में 4-4 एफआईआर दर्ज की गई थी। इनमें से केस 2 में सैफुर रहमान, केस 4 में सरवर, केस 5 में मोहम्मद सैफ और केस 8 में सलमान को दोषी घोषित किया गया है। 4 केस में बम प्लांट करने वाले का पता नहीं लग सका है, लेकिन सभी 4 आरोपी षड्यंत्र के दोषी सिद्ध हुए हैं। कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया है। शुक्रवार को कोर्ट इनकी सजा पर फैसला सुना सकता है। मामले में कुल 13 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। 3 आरोपी अब तक फरार है और 3 हैदराबाद और दिल्ली की जेल में बंद है। बाकी बचे 2 गुनहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने नागरिक संशोधन बिल को लेकर सीएम अशोक गहलोत को घेरा है। राठौड़ ने मुख्यमंत्री गहलोत पर संघीय ढांचे पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब पी चिदंबरम देश के मुख्यमंत्री थे तो सीएम गहलोत ने पड़ोसी देश से आने वाले हिंदुओं और सिखों की समस्या को लेकर यह मांग की थी कि उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाए, लेकिन अब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वो नागरिकता बिल लाई है तो राजस्थान सरकार पलटी खा रही है। राजस्थान में अब परिवाद दर्ज कराने के लिए किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब घर बैठे ही परिवाद दर्ज करवा सकते हैं। सारा काम होगा ऑनलाइन। गहलोत सरकार 1 जनवरी से प्रदेश भर में यह व्यवस्था लागू करने जा रही है। इस व्यवस्था से समय और धन की बचत होगी। अशोक गहलोत सरकार की पहली वर्षगांठ पर मंगलवार को राजधानी जयपुर में हुए किसान सम्मेलन में सीएम ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सीएम गहलोत ने कहा कि बिजली की बड़ी दरों का भार किसानों पर नहीं आएगा। 23,000 करोड़ का भार सरकार वहन करेगी। हर गांव का मास्टर प्लान बनेगा। सीएम ने इस मौके पर 1,000 करोड़ के कृषक कल्याण कोष और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 को भी लॉन्च किया है। अभिनेत्री पायल रोहतगी जेल से बाहर आ गई है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर शायद प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो बनाना मेरी स्वतंत्रता है। हाँ, ये जरूर है कि मैं वीडियो वह नहीं बनाऊंगी जिस पर कानूनी कार्यवाही हो। उन्होंने कहा कि जेल में मुझे पहले डर लग रहा था, लेकिन वहाँ के वातावरण को मैंने देखा, उसके बाद मुझे वहाँ के लोग, वहाँ की महिला कैदी अच्छी लगी। राजस्थान में भी शुरू हुई दिल्ली की तरह जनता क्लिनिक। गहलोत सरकार के 1 साल पूरे होने पर जनता क्लिनिक का उद्घाटन भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि जनता क्लिनिक अब जनता के भरोसे ही चलेगा। गहलोत सरकार ने 12 जनता क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि पहला जनता क्लिनिक वाल्मीकि नगर में खोला गया है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है।
गहलोत सरकार की प्रथम वर्षगांठ पूरे राजस्थान में मनाई जा रही है। इस मौके पर निरोगी राजस्थान अभियान एवं जन आधार कार्ड का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, अब घर घर पहुंचाएंगे निरोगी रहने का संदेश। इस मौके पर SMS अस्पताल जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने 5 महिलाओं को जन आधार कार्ड प्रदान कर जन आधार योजना का शुभारंभ भी किया। साथ ही निरोगी राजस्थान के लोगो, फोल्डर और मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया। 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपियों को लेकर आने वाले फैसले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लंबे समय बाद मिले न्याय पर जहां खुशी जाहिर की, वहीं आरोपी के बरी होने का दोष सरकार के कमजोर पक्ष को दिया। सतीश पूनिया ने कहा कि 5 में से जो एक आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हुआ है, सरकार और पुलिस के कमजोर पक्ष को उजागर करता है।